आज मैं इस वीडियो में इलेक्ट्रिक केटल में कैसे आप अंडे बॉयल करेंगे वो वाला वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए परफेक्ट बॉयल हो चुका है, और अगर आप एक एक टिप्स आप अच्छे से सुनेंगे और इसी टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप भी इसी तरह से अंडे को उबाल पाएंगे। तो आप वीडियो ज़रूर पूरा देखिए और हर एक टिप्स को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अंडे ले लिया है, अंडे को अच्छे से साफ़ कर देना है, दो तीन पानी में अच्छे से नल में धो लीजिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक केटल में मैंने अंडे को डाल दिया है। आप ऐसा मत सोचिए कि अंडे और पानी को डाल के हम उबाल देंगे तो उबल जाएगा, इसका बहुत सारे टिप्स है। तो अंडे को अच्छे से धोने के बाद इसको इलेक्ट्रिक केटल में मैंने डाल दी है, और अंडे डूबने तक इसमें पानी डालें। उसके बाद इसको हम ऑन करके रख देंगे। अभी ये ऑटो कट वाला मशीन है तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, तो आपको जल्दी नहीं निकालना है। एक बार आपने बॉयल करने के लिए रख दी है और ऑटो कट हो गया, उसके बाद और आप कुछ काम कर सकते हैं। फिर 5 से 10 मिनट के बाद फिर से आपको ऑन करना है, फिर ऑटो कट हो जाएगा और आपको तुरंत नहीं निकालना है इसमें से। आप ऐसे छोड़ दीजिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, और ऐसे ही गर्म पानी में रखा रहने दीजिए। अभी 10 से 15 मिनट के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा और आपको छीलने में भी आसानी हो जाएगा। तो मैं दो तरीके की छीलने का तरीका मैं बता रही हूँ आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे पहले से मैंने एक अंडा टेस्ट करने के लिए छील के रखी थी, अभी मैं बाकी अंडे को भी दो तरीके से आपको छील के बताऊँगी। तो इसी तरह आप अंडे बॉयल करेंगे, आप भी इसी तरह से अच्छा अंडा बॉयल कर पाएंगे। तो अंडे को जो है थोड़ा सा क्रैक करने के बाद इसके ऐसे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर या फिर किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह से रोल करने के बाद आप आसानी से इसको छील सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा रोल कर दी है, उसके बाद ये आसानी से छील जाता है। तो ये हो गया पहला तरीका। तो एकदम सॉफ्ट हमारा अंडा जो है बॉयल हो चुका है। और ये दूसरा तरीका है, थोड़ा सा क्रैक करने के बाद दोनों हथेली से इस तरह से रगड़ दीजिए, अभी इससे भी बहुत आसान होता है अंडे छीलने में। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आप छील सकते हैं बहुत ही आसानी से। अभी मैं इसको काट के भी दिखाऊँगी कि कितना सॉफ्ट अंडा हमारा उबल गया है और खाने के लिए रेडी है। तो अंदर से भी अच्छे से पक चुका है, देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।